नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपणी के पास और यहाँ इस विद्यालय में फिलहाल आया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका जो हेडपम्प है वो काफ़ी समय से ख़राब है। अब ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा तब हमें पता चल सकता है। लिम्बाराम ते थे मारो गम के हुए रूपणी गम है न पंचायत के ही लगे मांडवा पंचायत लगती है। तो ये आपकी कितने समय से हेडपम्प खराब है? चार पाँच महीने से खराब है। और रूपणी में घर कितने हैं? घर तो हो गए इधर ये हेडपम्प पे कितने लोग भरने के लिए आते हैं पानी? यहाँ के तो पास वाले तो है 35-40। अच्छा, तो ये हेडपम्प 35-40 लोगों के लिए एक ही है? हाँ जी। और ये चार पाँच महीने से खराब है। तो फिर अभी आप पानी कहाँ से लाते हैं? ये नाले से ला रहे हैं। तो ठीक करवाने के लिए किसी को कागज वगैरह सरपंच को लिख के नहीं दिया? दिया है पर कोई आ रहा नहीं नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने बातचीत की, इन्होंने बताया, और एक और महिला है उनसे बातचीत करेंगे। हूँ नाम है थैमर मोदनी थैमत है रूपनी मात्र हो तो थैमर कितना टाइम हो हेडपम्प खराब है? अच्छा, तो थैमर पानी लेवा खेड़ा जाओ किसान रूपनी मास को ते ओ हेडपम्प मतलब सीयर पोस में ना खराब है तो थे मार पानी पे सन केडा हुलावो पानी के आ हुलावो ए तो दूर दूर फिर तो ही डो पानी लेवा को दुखी हो पानी हो तो ते ठीक कराणो कोई कागज आगे नहीं आलियो हो पण क्या जो ने क्या जो होई तो कोई नो मु लेता नहीं ते ओ मतलब थे मारी खा टैकी खराब हो बहु थे मो पिसन तकलीफ नहीं होई रही ते तकलीफ उसे होते है मारे कपला तो बा सोर पानी पीवा एक पेड़ पेड़ के सोर न बात जाए दे सा दिन हु गरिन टाले भी था नन कसोर। ठीक है, तो दोस्तों उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के मांडवा पंचायत के रूपनी गांव में मैं था और यहां पर जब लोगों से बातचीत की तो आप देख सकते हैं ये जो हेडपम्प है हालांकि ठीक अवस्था में है लेकिन यहां पानी नहीं आता है, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। मैं चाहूंगा कि ये जो हेडपम्प है वो जो है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपनी स्कूल के अंदर में ही है, अगर इसे ठीक करवाया जाता तो यहाँ के लोगों को पानी की राहत मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि यहाँ के लोगों को ये जो पानी की सुविधा है जो नहीं मिल रही है वो मिल सके। तो आप बने थे कोटड़ा टाइम्स में आपके अपने दोस्त विनोद के साथ, इसी तरह बने रहिएगा, हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।